नमस्कार, मैं गीतांजलि प्रकाश खाने के शौकीन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पंजीरी। ये न्यू मदर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल डाइट है। ये डिलीवरी के बाद महिलाओं को दिया जाता है, जिससे उनके जॉइंट्स पेन और बैक पेन होती है। ये पंजीरी खाने के बाद काफ़ी उन्हें लाभदायक होता है। ये फीड कराने वाली जो विमेन होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। पंजीरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg गेहूं का आटा, 250 ग्राम सूजी, 200 ग्राम कमरकस, 200 ग्राम गोंद, 200 ग्राम शुद्ध देसी घी, 200 ग्राम ताल मिश्री का पाउडर, 100 ग्राम छुहारा बीज निकाल लिया है मैंने, 250 ग्राम एलमंड, 100 ग्राम मखाना, 200 ग्राम किशमिश, 200 ग्राम अखरोट और ये 200 ग्राम नारियल, 1 tablespoon सौंफ और 1 tablespoon छोटी हरी इलायची। ड्राई फ्रूट्स अपने अनुसार कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी। अब गोंद को फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये गोंद हमारा खिल गया है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ। हमें गोंद को बारी बारी से फ्राई करना है। हम गोंद को एक बार फ्राई नहीं करेंगे। अब एक चम्मच और डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये गोंद हमारा खिल रहा है। अब देखिए, इसे निकाल लेती हूँ मैं। एक चम्मच मैंने और डाला गोंद। ये देखिए, ये खिल रही है। तो इसी तरीके से मैंने सारे गोंद को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं कमरकस को फ्राई कर रही हूँ। कमरकस नाम से ही लग रहा है, ये कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द या जॉइंट में जो भी दर्द होते हैं उसमें बहुत आराम देता है ये खाने के बाद। इसे लेडीज़ ही खाएं, जेंट्स कमरकस को नहीं खाते। अब देखिए, इसे मैं छान लेती हूँ। ये सारा कमरकस फ्राई हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ मैं। अब मखाने को फ्राई कर रही हूँ उसी बचे हुए घी में और सेम कढ़ाई में। उसके बाद एलमंड डाल देंगे। 5 मिनट मखाने को फ्राई करने के बाद ही एलमंड डालें। अब इसके बाद 5 मिनट फ्राई होने के बाद अखरोट को भी डाल दिया है मैंने। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें बस रोस्ट करना है। अब एक बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ इसे। ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो ये देखिए, आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के भी कोई ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोंद और कमरकस को ग्राइंड करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, ये मैंने फाइनली ग्राइंड कर लिया है गोंद और कमरकस को। अब दूसरे स्टेप में जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किया था उसे मैं ग्राइंड करूँगी। इसे हल्का दरदरा ही हमें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये हल्का दरदरा है। पंजीरी में दरदरा ही हमें ग्राइंड करना होता है ड्राई फ्रूट्स। अब गोंद और कमरकस में मैं ये ड्राई फ्रूट्स का मिला देती हूँ मिश्रण। अब इसके बाद छुहारे को ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इसमें डाल रही हूँ मैं ये नारियल, ये गड़ी है और ये इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद सौंफ डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, ये भी ग्राइंड हो चुका है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें मिला देंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये ब्राउन शुगर पाउडर। आप इसके जगह कोई भी जैगरी पाउडर ले सकते हैं या ताल मिश्री पाउडर। इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसमें मैं अब किशमिश डाल देती हूँ। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप पंजीरी को बनाकर आराम से 1 महीने तक खा सकते हैं। ये देखिए, इसमें कहीं कोई पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आप आराम से इसे कोई भी कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकते हैं बनाकर।
ये देखिए इसे अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है। ये देखिए अब इसके बाद आटे को फ्राई करेंगे। जिस तरीके से हम आटे का हलवा बनाते हैं वैसे ही हमें फ्राई करना है घी में। और मैंने सूजी भी इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो ये देखिए हमें इसे चलाते रहना है क्योंकि ये आटा जल सकता है अगर हम कंटिन्यूसली स्टर ना करें तो। और जो भी लम्ब से इसे तोड़ते जाएंगे और इसे बढ़िया से मिलाते रहना है। ये देखिए ये लाइट ब्राउन कलर भी आ चुका है इसमें। चाहे तो इसमें सोल्ट का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सोल्ट का पाउडर इसमें नहीं डाला है। इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब इसके बाद मैं इसमें जो भी मिश्रण था ड्राई फ्रूट्स और कमरकस और गोंद का मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए तो इसमें जो भी हमारा ग्राइंड किया हुआ था मिश्रण मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप पंजीरी को आराम से एक महीने तक किसी कंटेनर में रखकर खा सकते हैं। ये डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिला रही हूँ ताकि ये जले ना। तो ये देखिए ये हमारी पंजीरी बनके तैयार है। आप इस पंजीरी की रेसिपी को अगर न्यू मदर्स है आपके घर में तो आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेसिपी कैसी बनी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले व्यंजन के साथ। तब तक